अभी नीचे से मुझे बताया गया कि यहाँ सैकड़ों लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी हुई है वो छात्र यहाँ आए हुए हैं। तो मैं नीचे आया तो देखा तो इन लोगों से बातचीत की, तो ये लड़ाई तो मैं बहुत पहले से ही लड़ भी रहा हूँ। तो चुनाव के जब सूचना जारी होने के पहले ये लोग जब नियुक्ति नहीं मिली, आरक्षण का पालन नहीं हुआ, तो ये लोग चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो अनियमितता पाई गई, तो उस रिपोर्ट के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6800 भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश 5 तारीख को हो जाता है, 8 तारीख को सूचना जारी हो जाती है चुनाव आयोग की तरफ से। तो उसी में ये मामला रुका हुआ है। चुनाव के बाद ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को सही बात कि आपके आदेश जो 68,000 भर्ती के लिए जो आपने आदेश किया है उन बच्चों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, अधिकारी अपना इधर उधर समझाते रहे हैं। तो उसी को लेकर के ये बिना बताए ये लोग यहाँ चले आए, इस उम्मीद से कि चुनाव के पहले सरकार में थे तब, सरकार में नहीं थे तब, हम इनके जो घोटाले हुए हैं, आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं, उस बात को लेकर बराबर लड़ते रहते हैं। तो इनको विश्वास हुआ कि सबके दरवाजे खटखटाए और किसी का दरवाजा नहीं खुला, तो चले राजभर की यहाँ हो सकता दरवाजा खुला।